हेलो एवरीवन, मैं हूं जगनरेंद्र। स्वागत है आपका क्लास टू प्लस यूट्यूब चैनल में। आज के करंट अफेयर्स में हम लोग थर्ड मेगा करंट अफेयर देखेंगे, तो आइए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं कल के अखबार से। तो देखते हैं आज के सेशन में क्या है। तो आज के सेशन में हम लोग अवार्ड्स और ऑनर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अवार्ड्स और ऑनर्स में सबसे पहले हम लोग मिलेंगे अपने फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जादव पायेंग को कहा जाता है। इन्हें 128 कॉमन वेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से नवाजा गया है। दूसरी हैं हमारे भारतीय मूल की अमेरिकन इंडियन अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं रुचिका तोमर जी, इनको हेमिंग्वे अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। तो आते हैं थर्ड में। एवरी ईयर थर्ड में को वर्ल्ड फ्रीडम डे ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। एवरी ईयर कौन से मे को मनाया जाता है? थर्ड मे को, ध्यान रखिएगा, थर्ड मे को आपको मनाया जाता है। कौन सा डे? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इसको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी बोलते हैं और ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड प्रेस डे, वर्ल्ड प्रेस डे के नाम से भी बोलते हैं। ये वर्ल्ड प्रेस डे मनाने का रीजन क्या है? वर्ल्ड प्रेस डे देखिए इसलिए मनाया जाता है ताकि कौन मनाता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो वर्ल्ड प्रेस डे जो ट्रिब्यूट है उन जर्नलिस्ट के लिए कि जिन्होंने अपने लाइफ खो दिए हैं कई सारे वजहों से, जैसे कई बार वार्स के समय कवरेज करते समय, या कई बार उनके साथ कुछ घटनाएं घटती है जिसमें लिंचिंग हो जाती है, जिसमें आपने अभी दिल्ली में देखा होगा, दिल्ली में एक दो पत्रकारों का को गोली लग गई थी। तो वैसे कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसे मनाता है। एक है कि ये सिर्फ इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में ये अवेयरनेस फैले ये अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस इन फंक्शनिंग। यदि कोई भी प्रेस यदि फ्री यानी इंडिपेंडेंटली यदि वो काम करता है तो उसका इम्पोर्टेंस कितना है, उसका महत्व क्या होगा। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग, यदि आपके आपके पास या हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो उसका क्या रोल है। इट्स सिग्निफिकेंसेस एंड टू अवेकन द गवर्नमेंट ऑफ इट्स ड्यूटी टू अपहोल्ड एंड रिस्पेक्ट द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और दूसरा जो है कि आपकी बातें जो है वो पहुंचाने के, देखिए प्रेस बहुत ज़्यादा अहम रोल है हमारे हमारे और आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा इसका रोल है। कई सारी नीतियों को गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है और ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाती है, तो उसको भी ये रिपोर्ट करते हैं कि हाँ आपका रिपोर्ट, आपने जो जो भी नीतियाँ बनाई थी पब्लिक वेलफेयर के लिए वो नीतियाँ ग्राउंड लेवल पर कैसे काम करें। तो इससे गवर्नमेंट को भी काम करने में मदद मिलती है यदि ये रिपोर्ट उनके पास जाता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज कि आपके और हमारे बात कोई सुनने वाला यदि नहीं होता है तो या हम बहुत बड़े अथॉरिटी के पास नहीं जा सकते हैं, तो उसको पब्लिकली करके यानी आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप प्रेस मीडिया के जरिए आप क्या कर सकते हैं कि गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं कि हाँ हमारी क्या प्रॉब्लम है और मैं कैसे, और यदि आपकी फ्रीडम को कोई नुकसान है तो उसे भी आप रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस फ्रीडम डे 2020 का थीम जो है वो है जर्नलिस्ट विदाउट फियर और फेवर। जर्नलिस्ट विदाउट फियर और फेवर, ये इसका थीम दिया गया है और ये ग्लोबल कैंपेन है, यूनेस्को द्वारा लॉन्च किया गया। और अब देखिए ये अभी आप लोग जैसे जान रहे हैं कि ये जो है कोविड-19 के पेंडेमिक का समय है, तो कोविड-19 के पेंडेमिक का समय है तो ये जितना कैंपेन किया जाएगा ये सब सोशल मीडिया के थ्रू इस बार किया जाएगा, डिजिटल फॉर्म में किया जाएगा, ठीक है। जिसमें लाइव डिस्कशन होगा, ऑनलाइन लाइव डिस्कशन होगा, कहाँ कहाँ पे होगा, फेसबुक पे होगा, यूट्यूब पे होगा, माइक्रोसॉफ्ट की टीम है वो करेगी, अमंग्स और अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पे होगा, ऑन द साइड ऑफ यूनेस्को की साइड पे होगा, ठीक है। और ये सभी डिबेट्स जो होंगे ये यूनेस्को की साइट पे जितने डिबेट्स होंगे वो सभी अवेलेबल होंगे। आगे देखते हैं, सब थीम भी इसके कुछ बनाए गए हैं। सम थीम ऑफ द इयर्स आर एज फॉलो, सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड मैन जर्नलिस्ट एंड मीडिया वर्कर्स। एक और बनाया गया, इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल जर्नलिज्म फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल एंड कमर्शियल इन्फ्लुएंस। एक और है, जेंडर इक्वालिटी इन ऑल रिस्पेक्ट ऑफ द मीडिया, ठीक है। तो ये तीन अदर इसके सब थीम भी है। देखिए इस टू
2020 का जो वर्ल्ड फ्रीडम डे का वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस फ्रीडम डे का जो थीम था, तो ये तो आपको पता चल ही गया। उसके बाद इसको होस्ट करने वाला था नीदरलैंड, ठीक है। पहले नीदरलैंड और यूनेस्को ने ये प्लान किया था कि 22nd और 24th अप्रैल को वर्ल्ड फोरम पे इसे मनाया जाएगा। कहाँ पे? इन द हॉग, ठीक है, ले हेग। तो हेग कंट्री में, हेग प्लेस पे मनाया जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ। तो इसे अब शेड्यूल किया गया 18th और 20th अक्टूबर को एट द सेम वेन्यू, इसी द हेग में इसको फिर किया जाएगा। ये क्यों किया गया पोस्टपोन? ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। अब ये जो होगा ज्वाइंट कोलेब्रेशन होगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई का और द इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, तो ये 2 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये दोनों के लिए एक ही ये 2 दिन तय किए गए हैं, 18th और 20th अक्टूबर को। ओके, आगे देखते हैं। 3 मई को एक और डे मनाया जाता है, वर्ल्ड लाफ्टर डे। वर्ल्ड लाफ्टर डे एवरी ये जो 3 मई को नहीं मनाया जाता है, ये मनाया जाता है एवरी एवरी ईयर, ध्यान रखिएगा, एवरी ईयर फर्स्ट संडे किसका होना चाहिए? ऑफ मे, मई महीने के एवरी ईयर के फर्स्ट संडे को वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है। इस बार ये 3 मई को है। इस बार ये कौन से मई को था? 3 मई को संडे था, तो 3 मई को इस बार मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। तो वर्ल्ड लाफ्टर डे को 3rd संडे एवरी ईयर मनाया जाता है। ये 1998 में फर्स्ट सेलिब्रेशन टू प्लेस इन मुंबई, इंडिया। इट वाज अरेंज्ड बाय डॉक्टर मदन कटारिया, फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड वाइड लाफ्टर योगा मूवमेंट, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि मिस्टर मदन कटारिया जो हैं वर्ल्ड वाइड लाफ्टर योगा मूवमेंट के फाउंडर हैं और इन्होंने ही ये शुरू किया था। अब एक इस बार जो कोविड-19 के थ्रू, देखिए कोविड-19 का पेंडेमिक की वजह से इस बार ये जो मिशन है, द मिशन इज हेल्थ हैप्पीनेस एंड वर्ल्ड पीस थ्रू लाफ्टर, ठीक है। तो इस बार का जो ये कोविड-19 के चलते जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसे ऑनलाइन किया जाएगा, ये जो सेलिब्रेशन किया जाएगा ये ऑनलाइन होगा, ठीक है। आपको एक और चीज बता दें कि एक हैप्पी डेमिक मनाया गया था ये, तो इसमें फर्स्ट वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया गया था, गैदरिंग आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया के जो लोग हैं उनको गैदर करने के लिए। इट टू प्लेस एट टाउन हॉल्स स्क्वायर इन कैपेनहेगन, डेनमार्क इन 2000, एंड मोर देन 10,000 पीपल वेर गैदर्ड। ये लगभग 10,000 लोग, 2000 साल में मनाया गया था और 10,000 से ज्यादा लोग इसमें इकट्ठा हुए थे, ठीक है। तो इसका गिनीज वर्ल्ड बुक में एक रिकॉर्ड भी है कि इतने लोगों ने एक दिन में इतने लोगों ने वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया है। आज 4th मई है और 4th मई को एवरी ईयर कोल माइनर्स डे मनाया जाता है। कोल माइनर्स डे मनाने के पीछे रीजन क्या है? देखिए, आप देख सकते हैं कि कोल माइनर्स कौन होते हैं। वे डेली वेजेज वर्कर्स होते हैं जो खदानों से कोयले निकालते हैं। उनको ये पता होता है कि जब भी जब हम कोल माइंस के अंदर जाएंगे तो आने के चांसेस बहुत कम है, रिटर्न आने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी वो अपनी जान को एकदम जान की बाजी लगाकर और एकदम कोयले खदानों में जाते हैं और वहां से कोयले निकालते हैं, जिसका यूजेज हम लोग डिफरेंट 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 टाइप्स के फ्यूल्स में यूज करते हैं और कई तरह के मिनरल्स में भी उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो उन्हीं की उन्हीं के लिए ये दिन मनाया जाता है, उन्हीं को याद करते हुए ये दिन मनाया जाता है। लगभग देखिए, कोल माइंस में जो लोग जाते हैं वो लगभग 200 मीटर अंदर चले जाते हैं, मतलब 200 मीटर आप समझ रहे हैं, बहुत अंदर हो गया, और उतने नीचे भूमि के उतने नीचे जाकर और फिर वो क्या करते हैं कि कोयले निकालते हैं। तो उन्हीं के लिए ये मनाया जाता है दिन, ठीक है, उन्हीं को याद करते हुए, ठीक है। आगे देखते हैं, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 4th मई को एक और डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। देखिए, फायर फाइटर्स भी होते हैं अपने लाइफ में का एक अहम पार्ट है, और जब भी कभी
देखिए इंटरनेशनल फायर फाइटर डे ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर 4 मई को। इट वाज इंस्टीट्यूटेड ऑन 4 जनवरी 1999, 1999 4 जनवरी को ये आफ्टर ए प्रपोजल भाया ईमेल्ड आउट अक्रॉस द वर्ल्ड ड्यू टू द डेथ ऑफ फायर फाइटर्स इन द बस फायर इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक बस फायर में 5 फायर फाइटर की जान चली गई थी, तो उसके बाद ये ईमेल एक जारी किया गया और उसके बाद 4 मई को ये मनाया जाने लगा। एक डेट फिक्स किया गया कि इतने दिन को हम लोग ये मनाएंगे, इनकी शहादत के रूप में इसे मनाया जाएगा। देयर फोर दिस डे ऑब्जर्व द एंड रिकॉग्नाइज एंड ऑनर्स ऑफ द सेक्रीफाइस एंड फायर फाइटर्स मेक टू इंश्योर दैट देयर कम्युनिटीज एंड एनवायरमेंट आर एज सेफ एज पॉसिबल। ठीक है, तो देखिए फायर फाइटर्स का जो रोल होता है, देखिए कहीं भी आग लग जाए या कुछ भी हो जाए तो आप लोग देखते हैं कि ये जो होते हैं कि एकदम सामने आकर और लोगों को कितनी मतलब एक आग के अंदर खुद को ले जाना और वहां से लोगों को बचा कर लाना, ये बहुत मतलब क्या बोलते हैं कि बहुत हिम्मत की बात होती है। और ये करते भी हैं, कई बार जंगल वगैरह में आग लग जाते हैं तो आप वहां से भी जानवरों को निकालना, जो कि देखिए जनरली तो पब्लिक कुछ ना कुछ अपना वे ढूंढ लेती है वे ढूंढ लेती है बचने का, या फिर फंस जाती है तो ये काम में आते हैं। लेकिन जो जानवर हैं वो क्या करते हैं, पेड़ों पे जाते हैं, जल्दी भाग नहीं पाते हैं, तो उन उस जंगलों में घुसकर भी ये जानवरों की रक्षा करते हैं। हाल ही में आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, अमेजन के जंगल में आग लगा था, तो वो भी एक एग्जाम्पल है आपके सामने कि वहां से कैसे इन लोगों ने कई सारे जानवरों को बचाया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज गॉट जीआई इन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ऑप्शन है लद्दाख, पौंडीचेरी, केरला, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग इसलिए मिला क्योंकि वहां सैफ्रन, कश्मीरी सैफ्रन के लिए दिया गया है। ठीक है, अब कश्मीरी सैफरन के लिए ये टैग मिला गया है। इसके पहले कई सारे अदर लोगों को अदर जगहों पे भी इसे दिया गया है। ठीक है, अदर इंडियन प्रोडक्ट हैं जिसके लिए जीआई टैग दिया गया है, वो क्या है, देखिए तिरुपति लड्डू जो है, मधुबनी पेंटिंग है, नागपुर ऑरेंजेज है, कश्मीर पश्मीना है, राजस्थान कठपुतलीज है, राजस्थान की कठपुतलीज हैं, लखनऊ का चिकन क्राफ्ट है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं, यानी एकदम ऐसा चीज होना चाहिए जो बिल्कुल यूनिक हो, उसके जैसा कुछ भी नहीं हो, तो वैसी चीजों के लिए जीआई टैग दिया जाता है। 2 दिन 2 3 दिन पहले ही आप लोगों ने देखा होगा ब्लैक राइस मणिपुर में जो बनता है होता है उसके लिए भी ये चीजें की गई हैं। तो कश्मीरी सेफ्रन जो कल्टिवेट किया जाता है, कश्मीरी सेफ्रन जो है वो कहाँ किया जाता है देख लीजिए, हार्वेस्टेड इन केरावा हाईलैंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गेट्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। इट इज द ओनली सैफरन इन द वर्ल्ड ग्रोन एट द अल्टीट्यूड ऑफ 1600 मीटर टू 1800 मीटर अबव मीन सी लेवल से 1600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पे ये उगाया जाता है। विच डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर सेफ्रॉन वेराइटीज अवेलेबल अराउंड द वर्ल्ड, जो अदर वेराइटीज जो हैं सेफ्रॉन के उससे ही अलग होता है। टाइप्स ऑफ सेफ्रॉन, कश्मीर में जो सेफ्रॉन होते हैं उसके टाइप्स क्या हैं, एक होता है लच्छा सेफ्रॉन। लच्छा सेफ्रॉन जो है स्टेग्मा आर सेपरेटेड फ्रॉम फ्लावर्स एंड डिराइव ड्राइड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। मोंगरा सेफ्रॉन होता है, मोंगरा सेफ्रॉन में क्या होता है, स्टिग्मा आर डिटैच्ड फ्रॉम द फ्लावर ड्राइड इन द सन एंड प्रोसीड ट्रेडिशनली, यानी पैक कर दिया जाता है लूजली इन द एयर टाइट कंटेनर। तीसरा होता है गुच्ची सेफ्रॉन, इट इज लाइक लच्छा बट ऑल्स हैज ए स्टिग्मा ज्वाइंट टुगेदर इन द बंडल विद क्लॉथ थ्रेड। ठीक है, तो ये 3 टाइप के आपके सेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, कश्मीर में। इन इंडिया जी आई रजिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्टर्ड बाई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्टर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 विच केम इन टू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम सेप्टेम्बर 2003। दार्जिलिंग 2004 इज द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू गेट जी आई टैग। देखिए
तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा दार्जिलिंग टी, देखिए दार्जिलिंग टी उसमें जो था जो फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट था जिसको फर्स्ट टाइम जीआई टैग दिया गया था, उसके बाद से ये तिरुपति लड्डू है, मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग को खासकर पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है, नागपुर के जानते हैं कि संतरे हैं वो भी बहुत फेमस हैं, तो इस तरह के लखनऊ का चिकन क्राफ्ट जो है कपड़ों के ऊपर वो भी काफ़ी फेमस है, ठीक है। राजस्थान में जो कठपुतली है, राजस्थानी कठपुतली है वो भी काफ़ी फेमस है, तो इस तरह की चीज़ें हैं जो वर्ल्ड में बहुत फेमस होती हैं तो उन्हीं को जीआई टैग दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड हाउ मच अमाउंट लोन टू हेल्प इंडिया इनहेंस इट्स कोस्टल एंड मेरिन रिसोर्सेज, प्रोटेक्ट मेरिन रिसोर्सेज एंड कोस्टल पॉपुलेशन फ्रॉम द पोल्यूशन, इरोजन, सोशल सी लेवल राइज एंड इम्प्रूव लेवलीहुड अपॉर्चुनिटी फॉर कोस्टल कम्युनिटी ओवर द नेक्स्ट डिकेड। तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने कितने अमाउंट अप्रूव किए हैं ये देखना है। तो एक है 250 मिलियन डॉलर, 350 मिलियन डॉलर, 400 मिलियन डॉलर, 450 मिलियन डॉलर और 500 मिलियन डॉलर। तो इसका करेक्ट करेक्ट आंसर है, देखिए 400 मिलियन डॉलर, ये 400 मिलियन डॉलर, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखिए जो 400 मिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक दे रही है तो उसमें क्या होगा, ये इट विल हेल्प प्रोटेक्ट कोस्टल रिसोर्सेज बाय फोकसिंग ऑन रिहेबिलिटेशन ऑफ कोस्टल बीचेस एंड मैंग्रोव्स, ठीक है। द फर्स्ट फेज जो पहला फेज होगा वो क्या करेगा, कवर 8 कोस्टल स्टेट्स एंड 3 कोस्टल यूनियन टेरिटरीज, जिसमें वर्ल्ड बैंक 180 मिलियन फंडिंग करेगा टू फॉर इनहेंसिंग कोस्टल एंड ओशन रिसोर्सेस रिसोर्स एफिशिएंसी। दूसरा जो है द लोन फ्रॉम द इंटरनेशनल बैंक ऑफ फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट हैज अ फाइनेंशियल मेच्योरिटी ऑफ, देखिए जो ये जो लोन होगा वो 14.5 ईयर्स का होगा इंक्लूडिंग अ ग्रेस पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल का ग्रेस पीरियड इसमें रहेगा, यानी आप बोल सकते हैं कि वो 19.5 ईयर्स, लगभग 20 साल का ये लोन है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक क्या है, द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA फॉर्म द वर्ल्ड बैंक, देखिए ये दोनों मिलकर वर्ल्ड बैंक फॉर्म करते हैं, ठीक है। क्या है, इंटरनेशनल, द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वर्ल्ड बैंक फॉर्म करते हैं, जो कि क्या करता है, प्रोवाइड्स फाइनेंसिंग, पॉलिसी एडवाइस एंड टेक्निकल असिस्टेंट टू गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनको वो क्या क्या फिनांस प्रोवाइड करता है, पॉलिसी के लिए रिलेटेड कुछ एडवाइस दे सकता है, और जब डेवलपिंग कंट्री कोई है तो डेवलपिंग कंट्री को नीड्स के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, टेक्निकल असिस्टेंट और लोन्स भी प्रोवाइड करता है। बाय द इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन IFC, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट का गारंटी एजेंसीज एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट, द वर्ल्ड बैंक फोकस टू स्ट्रेंथन द प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज। इसके अलावा इन सभी इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन के द्वारा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसीज एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इनके द्वारा क्या करता है, प्राइवेट सेक्टर जो डेवलपिंग कंट्री में जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां होती हैं उनको भी ये हेल्प आउट करता है। इसका फॉर्मेशन किया गया था वर्ल्ड बैंक का 1944 में, इसकी जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में है जो यूनाइटेड स्टेट में है, इसके अभी जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो डेविड मालपास है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑपरेशनल डायरेक्टर ऑफ NTPC। NTPC का ऑपरेशनल डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है, रमेश बाबू, करनाल सिंह, शशि शंकर, हर्ष कुमार बनवाल, अजय त्यागी, किसे अभी NTPC का ऑपरेशनल डायरेक्टर बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए रमेश बाबू इसका करेक्ट आंसर है। रमेश बाबू जो हैं ये इनके पहले जो ऑपरेशनल डायरेक्टर थे ही वॉज द सक्सेसर ऑफ प्रकाश तिवारी, प्रकाश तिवारी के को जिनका 30 अप्रैल को ये क्या हुए, रिटायर्ड हो गए। इसके अलावा इन्होंने इसके पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू द CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे भी रहे हैं, वाइल वर्किंग ऑन द सिस्टम इम्प्रूव
मेंट एक्टिविटीज एंड स्ट्रेटेजिक रिलेटेड टू द ऑपरेशनल एक्सलेंस ऑफ एनटीपीसी पावर प्लांट। ओके, आगे देखते हैं अदर अबाउट एनटीपीसी। तो एनटीपीसी का जो हेडक्वार्टर है, इसका फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री गुरदीप सिंह जी, ठीक है, इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अदर ऑप्शन के बारे में देखते हैं, करनाल सिंह जो है डायरेक्टर हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के, शशि शंकर जी हैं, शशि शंकर जो हैं सीएमडी हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के, हर्ष कुमार बानवाल जो हैं ये हैं चेयरमैन नाबार्ड के, अजय त्यागी जो हैं चेयरमैन हैं सेबी के। हु हैज लॉन्च किसान सभा ऐप टू कनेक्ट फार्मर टू सप्लाई चेन एंड फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम, CSIR, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस और नन ऑफ दीज। देखिए तो इसका करेक्ट आंसर है CSIR। ये हैं डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जो हैं डायरेक्टर जनरल हैं ये CSIR के, इंडियन ऑयल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन डेयर और रिमोटली लॉन्च द किसान सभा ऐप डेवलप्ड बाय CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR न्यू दिल्ली, ठीक है। ये क्यों किया गया, टू कनेक्ट विद द सप्लाई चेन एंड फ्री ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम अप फॉर द फार्मर ट्राइंग टू रीच मार्केट, सीड्स फर्टिलाइजर्स प्रोक्यूरमेंट टू मेक टाइमली डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द COVID-19 पेंडेमिक। जो फार्मर्स हैं उनको सीड्स की जरूरत पड़े या कोई किसी तरह की जरूरत हो या किसी तरह की जरूरत हो ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ जरूरत हो तो उसको हेल्प आउट करने के लिए बनाया गया है। अब देखिए CSIR के जो डायरेक्टर हैं वो हैं सतीश चंद्रा, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली और एस्टैब्लिश हुआ था ये 1952 में। ओके, आगे देखते हैं, रिसेंटली विजय मिश्र प्रसाद पास्ट अवे, ही वॉज अ नोटेड। ये क्या थे, पॉलिटिशियन थे, म्यूजिशियन थे, एक्टर्स थे, प्ले राइटर थे, बिजनेसमैन थे। तो ये एक प्ले राइटर थे, प्ले इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये नोटेड प्ले राइटर ड्रामेटिस्ट भी थे, स्क्रिप्ट राइटर थे और फिल्म डायरेक्टर भी थे। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ओडिशा से बिलोंग करते हैं। विजय मिश्रा जो हैं ये ओडिशा के रहने वाले हैं। इनका निधन 83 ईयर्स के एज में हुआ है और ये भुवनेश्वर उड़ीसा से रहने वाले हैं। इनका जो जन्म हुआ था संतर गाड़िया विलेज में हुआ था, बालासोर डिस्ट्रिक्ट में है, 16 जुलाई 1936 को हुआ था। इन्होंने अभी तक 60 ड्रामा, 55 फिल्म स्क्रिप्ट, 7 टेलीविजन सीरियल्स में इन्होंने अपने स्क्रिप्ट लिखे, इन्होंने इसके लिए लिखा है इन्होंने, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने और सभी अदर लैंग्वेजेज में भी सम ऑफ हिज लिटरेरी बुक वर्क हैव बीन ट्रांसलेटेड टू अदर रीजनल लैंग्वेजेज, अदर लैंग्वेजेज में भी इनके बुक्स लिखे गए हैं। अवार्ड्स जो हैं, इन्होंने कौन कौन से अवार्ड जीते हैं, देखिए केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड 2013 में इन्हें मिला था। इसके अलावा एक किसके लिए मिला था ये देख लीजिए, वानप्रस्थ का इन्होंने एक प्ले लिखा था, इन्होंने एक नाटक लिखा था वानप्रस्थ, उसके लिए मिला था। ओडिशा साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, जयदेव अवार्ड मिला था फॉर हिज लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू ओडिशा फिल्म इंडस्ट्री एट द 38th ओडिशा फिल्म स्टेट फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2019 में मिला था। विच बैंक हैज रिलीज द संग हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे टू कीप अप होप्स ऑफ एमिड्स COVID-19 पेंडेमिक। किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे संग रिलीज किया है, ऑप्शन है HSBC, ICICI, SBI, HDFC और PNB। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है HDFC। HDFC ने ये टाइटल सॉन्ग लॉन्च किया है हम हार नहीं मानेंगे, ठीक है। और दूसरा इसके अलावा देखिए इसको द संग है जी पेंड बाई प्रसून जोशी द्वारा इसे लिया गया है और म्यूजिक और कंपोजर जो है इसको AR रहमान द्वारा दिया गया है, जिसका मीनिंग होता है कि वी विल नॉट लॉस।
ऐसा एचडीएफसी ने अनाउंस किया है कि जितनी बार इसको सोशल नेटवर्क साइट पे शेयर किया जाएगा उतनी बार पीएम केयर्स फंड में 500 रुपीज चला जाएगा। ठीक है, यानी आप यदि 5 बार मान लीजिए इसको शेयर करते हैं तो 5 बार पीएम केयर्स फंड में 500 रुपये करके जाएंगे, यानी 2500 रुपये चले जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली यूनियन कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल लॉन्चेस ई बुक प्रोफेसर बी लाल इंडिया रिडिस्कवर्ड हु वाज प्रोफेसर बी लाल बी सॉरी बीबी लाल। तो ये बीबी लाल कौन थे? साइंटिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, इकोनॉमिस्ट थे, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है आर्कियोलॉजिस्ट थे ये। तो अभी यूनियन कल्चर मिनिस्टर श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने क्या किया, एक ई बुक रिलीज किया जिसका नाम था प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया इंडिया रीडिस्कवर्ड ऑन 2 मई को किया था न्यू दिल्ली में, ऑन द ओकेजन ऑफ सेनेटरी ईयर्स ऑफ ग्रेटर आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर बीबी लाल। द बुक हैज बीन प्रिपेयर्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कल्चर इन कोलाबरेशन विद प्रोफेसर बीबी लाल सेनेटरी सेलिब्रेशन कमेटी। ये इनकी एक कमेटी है, उनके दो इनके साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये बुक बनाया था एज ए ट्रिब्यूट ऑफ फॉर हिज इमेंस कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी के फील्ड में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, तो उसी के को क्या बोल सकते हैं, ट्रिब्यूट के लिए इन्हें ये बुक लॉन्च किया गया था। प्रोफेसर बीबी लाल वॉज कन्फर्ड विद पद्मश्री पद्म भूषण इन द ईयर 2000। 2000 साल में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि प्रोफेसर बीबी लाल कौन है। प्रोफेसर बीबी लाल एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं तो और इनके ये जो बुक लॉन्च हुई है वो कौन है? प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया डिस्कवर्ड, और इनको प्रोफेसर बीबी लाल को इसके लिए 2000 साल में पद्म भूषण अवार्ड मिला था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मतलब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के पद पे डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। ठीक है, 1968 से 1972 तक, 4 साल तक। अब बारी है इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स की, तो देखते हैं। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है, 11 जनवरी को डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, 9 को एनआरआई डे या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 8 जनवरी को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे मनाया जाता है, और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, 15 जनवरी को आपको आर्मी डे मनाया जाता है, 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है, 1 से 9 फरवरी काला घोड़ा फेस्टिवल डे मनाया जाता है, ये आपका मुंबई में मनाया जाता है, 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, और 6 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस मनाया जाता है, 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे या वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया जाता है, 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे या वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है, 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, और 10 मार्च को CISF रेजिंग डे मनाया जाता है। ओके, 1 मई को आप लोग जानते हैं इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। यदि कोई भी आपको डाउट्स हैं तो हमें class2plus@gmail.com पे भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।